हेलो, आपका स्वागत है ट्रैवल विद विकांत यूट्यूब चैनल पे और एक नया वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। ये हम लोग जो लॉन्ग टूर करते हैं, ऐसे लॉन्ग टूर नहीं जो शॉर्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, मतलब जो बाइक मतलब पैशनेटली चलाते हैं और मतलब बाइक के बारे में जानना, वीडियो देखना, तरह तरह की मॉडल कौन सा टाइम पे लॉन्च हो रहा है, ये सब चीज़ में हम लोग मतलब बिजी रहते हैं। जहन में एक चीज़ हमेशा रहती है, खास करके जो लॉन्ग टूर के लिए निकल जाते हैं हम लोग बाइक लेके, यह पंचर। मतलब आप बाइक में सब कुछ ठीक है लेकिन पंचर कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है। अगर ये पंचर हो जाए कुछ ऐसे रास्ते में, हर जगह तो सिटी नहीं होता, सिटी तो बस हम लोग सिटी से बाहर निकल जाते हैं तो ऐसे ही हाईवे, नहीं तो स्टेट हाईवे, नहीं तो हिल्स एरिया। पंचर जो बनाते हैं वो दुकान आपको नहीं मिलेगा और जो एयर फिलअप होता है वो भी स्टेशन नहीं मिलता है। तो इस जो हालत तैयार होते हैं तो इसमें हम कैसे रिएक्ट करें, पहली जो बात है जहन में आएगी वो है ट्यूबलेस लगा लेते हैं। हाँ, बेहतर है, मेरे जहन में भी वो आते हैं और मैं भी ऐसा किया। लेकिन ऐसे भी कुछ बाइक होते हैं ना जिसका स्प्रोक व्हील होता है, मतलब स्प्रोक रिम होता है, वो लोग क्या करेंगे? तो आपके मन में फिर आएगा कि भाई ये तो बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारे ऐसे मटेरियल आए हैं जो टायर के अंदर देने से फोम जैसा होता है एक मटेरियल, मतलब स्पैन हो जाते हैं और जो लीकेज है वो कम कर देते हैं। तो इंडिया में ऐसे, इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बहुत ज़्यादा तो डेवलप किया नहीं किया गया, मतलब 80 से 85% तक वो रद्द कर देती है इस चीज़ को। आप दूसरे कहीं पे जाके वो पंचर ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर ये हो जाए कि वो फोम देने से ही, मतलब वो मटेरियल देने से ही वो स्प्रोक वाला व्हील में ये सेट बैठ जाए, वो ट्यूबलेस की तरह काम करे, उस मतलब वो बड़े बड़े जो कंपनी है वो भी वो खोज में लगे हैं और हम लोग जो इसको यूज़र यूज़ करते हैं, मतलब यूज़र लोग हैं, वो भी मतलब ऐसे राही देखते हैं कि कब वो आए वो मटेरियल और हम इसको सॉल्व आउट करें। तो मैंने सोचा अगर इसको ट्यूबलेस टायर, तो रिम, मतलब जो रिम है वो तो एलॉय रिम इसके मतलब ये एलॉय रिम छोड़ के ट्यूबलेस टायर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसे अब देखिए BMW और बेनली, ये जो मॉडल है 2-3, इसमें ये स्प्रोक व्हील में भी ये आता है लेकिन ये वो भी 100% नहीं है। अब जो सिटी कम्यूटर और जो ये थोड़ा थोड़ा करके जो टूर बाइक आ रहा है इंडिया में, वो अभी एलॉय व्हील में शिफ्ट कर रहे हैं और जो आरी का मॉडल है वो भी एलॉय पे शिफ्ट कर रहा है। अभी देखिए थंडरबर्ड X वो भी एलॉय में आने लगा और एलॉय आप बाहर से लगा सकते हो, 10-12 हज़ार रुपया ऐसे कुछ खर्च पड़े उसमें हो जाएगी। तो मतलब सबका जहन में एक ही होता है, अपना ट्यूबलेस करना है और ये जो पंचर वाला जो किस्सा है इसको ख़त्म करना है, नहीं तो इसको काफ़ी हद तक रद्द करेंगे। तो अभी क्या है, ट्यूबलेस और स्प्रोक वाला जो व्हील है, मतलब जो रिम आता है, इसमें अंतर क्या है और कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपके सामने ला सकता हूँ, उसी से आप विचार कर लो कि कौन सा आपको चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसे 5 पॉइंट चुना। तो पहली जो आता है लुक्स, तो लुक्स वाइज आप कौन सी व्हील आपको अच्छा लगते, जाहिर सी बात है वो एलॉय व्हील बहुत अच्छा लगते क्योंकि अट्रैक्टिव है, मतलब मास्क्यूलर दिखता है और तरह तरह की उसमें डिज़ाइन आने लगा। तो पहली जो लुक्स वाइज पॉइंट है वो तो एलॉय व्हील के तरफ ही आते हैं, तो एलॉय व्हील उसमें पॉइंट पे वो जीत के निकल गया। उसके बाद आते हैं जो कंफर्टेबिलिटी ऑफ ट्यूबलेस टायर, तो कंफर्टेबिलिटी ऑफ ट्यूबलेस टायर में कुछ ऐसा है कि ये तो हम सभी को पता है कि ये एलॉय व्हील में फिट बैठता है और एलॉय व्हील क्या होता है, जो बाहर का पूरा एक कास्टिंग रॉड जैसा होता है तो उसमें वो फिट बैठ जाता है, जो एयर प्रेशर वो कभी कहीं लूज नहीं हो पाते हैं नोजल को छोड़ के, और साइड में जो आता है वो भी कुछ मतलब वो भी सब जो व्हील है उसमें नहीं निकलते, ऐसे एक्सीडेंटली होता है, लेकिन मतलब 90% तो वो ट्यूबलेस अच्छे से रहते हैं और एयर प्रेशर बरकरार रहते हैं। तो ये जो कंफर्टेबिलिटी ऑफ ट्यूबलेस टायर, इसी में भी जो वोट है वो ट्यूब एलॉय व्हील के तरफ जाते हैं क्योंकि कंफर्टेबिलिटी ऑफ ट्यूबलेस टायर, ये अगर स्प्रोक में आप लगाओ, अभी 1-1.5 साल से ये चल रहा है कि अंदर एक ट्यूब डाल के उसके ऊपर आप ट्यूबलेस टायर डाल दो, उसमें क्या होगा, ट्यूबलेस टायर का नोजल थोड़ा छोटा होता है और ट्यूब
विथ ट्यूब जो स्प्रोक व्हील आता है उसका नोजल थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको जो एडजस्ट करने के लिए आपको अंदर से ट्यूब डालना ही पड़ेगा, लेकिन वो फिट नहीं बैठता है ज़्यादा बाइक में, वो काम नहीं करता है ठीक तरीके से। तो ये भी अलॉय व्हील के पास ही गया जो कम्फर्टेबिलिटी ऑफ ट्यूबलेस टायर। उसके बाद आते हैं जो स्ट्रेंथ, पहली बार आप किसी पॉट होल में पड़े, मतलब इंडिया की रास्ता ये तो सरफेस नहीं है, और हम लोग जो टूर करते हैं वो ऑफ रोड ज़्यादा पसंद करते हैं, हाइकिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे नहीं है हम फ्लैट रोड पे नहीं चलाते, लेकिन बहुत हेवी ड्यूटी होना पड़ता है उनको, तो उसी आधार पे स्ट्रेंथ कौन सा व्हील मतलब रिम पे अच्छा होता है, अलॉय व्हील या स्प्रोक व्हील। तो अगर देखिए जो अलॉय व्हील का स्ट्रेंथ और स्प्रोक व्हील का स्ट्रेंथ वो एक ही समान होता है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ आप अभी ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाला बात हो गया कि नहीं इसमें होगा, आपको नहीं नहीं बोला भाई आप गलत बोलो, आप इस ऐसे व्हील में जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है और ऐसे में स्ट्रेंथ कम है, ऐसा नहीं है, दोनों जो व्हील है दोनों जो रिम आते हैं एलॉय और स्प्रोक, इस दोनों व्हील में मतलब रिम में स्ट्रेंथ एक ही तरह की होता है। ये तीन पॉइंट निकल गया, ये तो अभी 50-50 आ गया। फोर्थ पॉइंट आते हैं शॉक एब्जॉर्बेंस, तो शॉक जो एब्जॉर्ब करते हैं ना वो जो स्प्रोक जो रिम है उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि आप बाइक में जो पॉट होल या कुछ गड्ढे वाला रास्ता या कुछ ऑफ रोड करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंशन का काम चलता है, और पहले जो थ्रस्ट आता है व्हील रिम पे आता है, उसके बाद शॉक एब्जॉर्ब द्वारा आपके जो कंधा है हाथ है उसी में आ जाए, मतलब हैंडल पर बार पे वो ट्रांसफ़र होते हुए जाते हैं, धीरे धीरे वो कम होता है, लेकिन पहले जो थ्रस्ट सहता है वो है रिम। तो रिम अगर कास्टिंग रॉड में क्या होता है, आप जो शॉक एब्जॉर्बेंस पावर है वो थोड़ा कम है जो स्प्रोक रिम है उनके मुकाबले, तो स्प्रोक रिम शॉक एब्जॉर्बेंस ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पोक होता है, वो मतलब आप मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं अगर इसी के ऊपर एक प्रेशर डालूँ तो ये एक हाथ मतलब एक टाइम बाद ये टूटने लगेगा या फिसलने लगेगा, लेकिन यहाँ 5-6 जो पेन है वो डाल के मैं प्रेशर दूँ तो ये बरकरार रहेगा ज़्यादा टाइम तक। तो इसी मामले में जो शॉक एब्जॉर्बेंस पावर है उसी मामले में जो स्प्रोक रिम है वोट उनकी तरफ जाते हैं। अभी आते हैं जो रिपेयरिंग ऑफ व्हील, तो रिपेयर जो होता है मतलब देखिए आप गड्ढा हो कुछ हो आपका रिम थोड़ा टाल हो गया, ऐसे हम जो बोलने वाले चाल है उसमें बोलते हैं ना टाल, तो मतलब डिसबैलेंस हो जाए, तो उसको ना कास्टिंग रिम है मतलब जो एलॉय रिम है वो कास्टिंग रॉड से बना हुआ होता है, तो वो अगर थोड़ा डिसबैलेंस हो गया तो उसको आप सही नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट जाएगा, लेकिन आप ये स्प्रोक रिम है इसको आप ठीक कर सकते हो दोबारा, क्योंकि स्प्रोक चेंज करने से और उसको एक टेक्नोलॉजी है मतलब एक मशीन के अंदर रख के उसको आप सही तरीके से बैलेंस करके फिर स्प्रोक जो है फिट करके आप अपना जो रिम है स्प्रोक रिम है उसको आप सही तरीके से ठीक कर सकते हो, तो आप एलॉय जो कास्टिंग रॉड से बना हुआ रिम है वो उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको आप फिर से नया लगाना पड़ेगा। तो इसी में जो वोट है ये आपका स्प्रोक रिम की तरफ जाता है, जो वोट 50-50 दोनों तरफ आ गया मतलब लुक्स वाइज कंफर्टेबल वाइज ये आते हैं एलॉय रिम की तरफ, एलॉय रिम की तरफ, और जो शॉक एब्जॉर्बेंस और जो रिपेयरिंग ऑफ जो रिम है ये जो वोट है दोनों वोट ये आते हैं स्प्रोक व्हील की तरह, ये दोनों 50-50 हो गए, और बीच में जो स्ट्रेंथ वाली वो दोनों में सही है मतलब ये बरकरार है, इसमें मतलब ये सही है इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब ये जो अब एक पॉइंट है, अब देखिए सिटी कम्यूटर में कौन सा अच्छा है, मैं हमेशा सिटी कम्यूटर या कुछ अब शॉर्ट डिस्टेंस चलाओ इसमें मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग ये जो ट्यूबलेस आता है एलॉय रिम पे ये लीजिए, क्योंकि सिटी कम्यूटर बाइक में ज़्यादा उसको ऊपर ट्रैवल नहीं आते, ज़्यादा उसको शॉक एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ता है, हालाँकि 80-90% रास्ता अच्छा मिलता है, तो आप ट्यूबलेस लगा के मतलब वो एलॉय व्हील यही अच्छा होगा। और जो टूर बाइक होते हैं मतलब हम लोग जब लंबे टूर पे निकल जाते हैं तब ये स्प्रोक व्हील अच्छा होता है, हालांकि मेरे पास जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है उसमें एलॉय है मैं कुछ नहीं कर सकता, ट्यूबलेस है ये बढ़िया है, लेकिन
मुझे भी कभी कभी डर लगता है कि ज़्यादा कुछ ऑफ रोड हो गया और थोड़ा रिम का कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ उसी हालात में। वहाँ तो कोई हेल्प करने वाला कोई होता भी नहीं, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा तब। जिनके पास ये एलॉय वाला रिंग है वो कभी अगर लॉन्ग ट्रिप में करो तो सबसे, हम लोग इंजन की तरफ, इंजन ऑयल की तरफ, सबके मतलब ये देखने में कैसा है, पॉलिश की तरफ, ये सब चीज़ में हम लोग नज़र रखते हैं, लेकिन अपना जो पहिया है, जो व्हील है, इसके ऊपर कभी देखते नहीं है, इसको पोछते भी नहीं है कभी, शायद ज़्यादातर ऐसा ही होता है, आप मिला लीजिएगा। तो इसमें हम लोग ये व्हील वाला जो किस्सा है, मतलब दोनों पहिया की जो रिम है, इसके ऊपर थोड़ा गौर करें लंबे टूर के निकलने पहले तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो जो आपके साथ कुछ हो, कुछ बुरा हो, मतलब ये व्हील के रिलेटेड, ये हम लोग रद्द कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ठीक तरह से समझाया, और आप शायद आपके पास जो बाइक है उसको थोड़ा देख रेख कीजिए आप अच्छे से, खास करके रिम को, और आप जो नया बाइक लेने जा रहे हो इस बात को आप थोड़ा बैलेंस करके देखिए, सोच के देखिए क्या होगा। तो आज इस वीडियो को ख़त्म कर दें, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, और एक बात, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक रेड बटन है उसको आप प्रेस कीजिए, उसके बाद एक बेल बटन आएगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये तो अभी टीवी की तरफ हो गया, यूट्यूब अपडेट है वो एक दिन बाद एक दिन करता हूँ, और ये काफ़ी दिन से चलते हुए आ रहा है, इसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ, और हालांकि ये फ्यूचर में भी मुझे मेंटेन करनी है, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ। तो बस इसी वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं नया वीडियो में नया सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।